विदिशा के वार्ड क्रमांक 33 के अंतर्गत आचार्य कॉलोनी के पास सावरिया सेठ कॉलोनी के रहवासी जरा सी बारिश के बाद ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ आने जाने वाला एक रास्ता है जिस पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है। यहाँ से निकल पाना लोगों के लिए दूभर हो गया है। रहवासियों ने बताया कि यह समस्या आज की नहीं है बल्कि कई सालों की है जिसे अब तक सुधारा नहीं जा सका है। मैं आपका डीपी लोगी। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही रहता हूँ, सावली सेट में। ये कौन सी जगह है? ये आचार कॉलोनी में आती है। आचार कॉलोनी। अच्छा, ये पहली बार इसमें देख रहे हैं सड़क के हालात क्या स्थिति है? अभी से नहीं, बहुत पहले से है। सीवेज लाइन चौक हुई थी, उसी चक्कर में खोदा तो पूरा मट्टी डाल दी, और फिर उस पर कुछ मुरम मुरम वगैरह डाले नहीं, कीचड़ हो रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। कितने सालों से? करीबन हो गए, 1 साल होने वाली है। 1 साल अभी तक नहीं बन पा रही है सड़क। अरे सड़क ना बने, मुरमा डल जाए वही बहुत है। 4 महीने फिर कैसे यहाँ से आवाजाही का होगा? अब वो क्या, अब तो आप खुद देख लो, अभी इनने गाड़ी निकाली है, वो फंस गई, अब तो सामना करना पड़ रहा है और क्या मुसीबत का। अच्छा, बच्चों को फिर स्कूल स्कूल अरे सभी को समस्या हो रही है, बच्चों को क्या, सभी को समस्या हो रही है। ऑटो वगैरह भी नहीं आ पा रहा? नहीं नहीं ऑटो भी नहीं आ पा रहा। सौरभ शर्मा। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे थे भैया? हम फील्ड से आ रहे थे, आज का क्लोजिंग थी बैंक की, इसलिए आ रहे थे, तो वहाँ पर सारा बाईपास बंद कर दिया था। तो अभी कहाँ से निकल रहे थे? ये कौन सी जगह? ये कोई आचार्य कॉलोनी बोलते हैं से। अच्छा, तो बाहर यहाँ पे ये कैसी स्थिति देख रहे? कुछ नहीं, हमारे जूते वगैरह सब फंस गए, गाड़ी फंस गई। अच्छा, गाड़ी भी फंस गई। बहुत परेशानी हुई है? बहुत परेशानी क्या, सारा बाईपास बंद करके रखा है इन लोगों ने, कोई प्रदीप मिश्रा जी करके आ रहा है। अच्छा, तो कीचड़ में तो बहुत दिक्कत हुई होगी। और क्या, ये डलवाई आप शासन से बोलिए। अच्छा।